तो अगर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रही है तो उससे हम लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है। ये सिख नवाब मलिक ने दे, वो बेल पर है, उतना ध्यान में रखे। बताया, दाऊद का दोस्त बताया, दाऊद के साथ काम करने वाला बताया, उनको जेल में डाला। आज कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रचार नहीं करेंगे पर हमें उनके कैंडिडेचर का विरोध नहीं है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि जो महायुति नहीं है, ये महा झूठी गठबंधन है। ये सिख नवाब मलिक ने दे, वो बेल पर है, उतना ध्यान में रखे। सरकार बनानी है वो तीनों दल की बनेगी और तीनों दल की साथ में बनेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। जिस तरीके से अगर बात करें, बात है कोई बात नहीं, डेफिनेटली लोकतंत्र है, सबको लड़ने का वो है। आप कैसे देखते हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए, बारामती में मैं स्वयं भी गया हूँ, बारामती का दौरा भी मैंने बहुत बार किया है और मैंने देखा है वहां पर ग्राउंड पर बहुत अच्छा नेटवर्क और काम। ये अजीत दादा पवार की ताकत है। अजीत दादा पवार एक उत्कृष्ट प्रशासक है और जो बोला वो मैंने किया, इस प्रकार की उनकी पहचान महाराष्ट्र में है और विकास के काम में वो कभी भी पीछे नहीं हटते। तो उस क्षेत्र के किसान हो, व्यापारी हो, रोजगार युवक या माता बहने हो, उन सबको अजीत दादा के प्रति एक काम करने वाला नेता, दमदार नेता, ये उनकी प्रतिमा है। उसके लिए मुझे लगता है उनकी जीत बहुत आसानी से। ऐसा है कि हमारे विधानसभा में जहाँ से एनसीपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, शिवाजी नगर मानखुर से, वहाँ पे शिंदे सेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, सुरेश बुलेट पाटिल, उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मेरी बेटी के यहाँ पे भी इसी तरह की परिस्थिति है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रही है तो उससे हम लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है। ये अपेक्षित था कि इस तरह की चीज़ें होंगी। और जो भी चीज़ें हैं, दोनों विधानसभाओं में हम भारी मतों से जीतेंगे। सना अनुशक्ति नगर से लड़ रही है, वहाँ पे किए हुए हमारे काम, लोगों से हमारा जुड़ाव, और शिवाजी नगर मानखुर में जिस तरह से जनता ने मुझसे आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ूं और उनके आग्रह पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लोग वहाँ त्रस्त हैं, ड्रग माफिया से त्रस्त हैं, गुंडों से त्रस्त हैं, पूरी तरह से बदहाली गुंडा राज फैला हुआ है। तो हमें तो जनता ने वहाँ चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। कोई भी विरोध करे, बीजेपी विरोध करे, शिंदे सेना विरोध करे, जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है, हम दोनों विधानसभाओं में चुनाव जीतेंगे। यहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, अजीत पवार जी ने उनके साथ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट किया है, विचारों से समझौता ना एनसीपी का है ना नवाब मलिक का है। जो भी हमारी आइडियोलॉजी है वो स्पष्ट है। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से उसी आइडियोलॉजी के साथ राजनीति करते रहेंगे। जहाँ तक महाराष्ट्र के चुनाव का सवाल है, जिस तरह की परिस्थिति है, कांटे का मुकाबला है। ये बात स्पष्ट है कि बिना अजीत पवार के कोई भी सरकार महाराष्ट्र में बन नहीं सकती और अजीत पवार जी विचारों से समझौता कर नहीं सकते। बीजेपी ने जिस तरीके से नवाब मलिक का विरोध किया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी अजीत पवार को कि आप इनको किसी तरीके से पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, उनको अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी में नहीं लेंगे, उनको टिकट नहीं देंगे। और अब उनके जो बोल हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से एबी फॉर्म भी एनसीपी अजीत पवार जी का गुट दे देता है उन्हें, फिर आकर आशीष शेलर जो इतना घोर विरोध कर रहे थे, जिन्होंने उनको दाऊद का साथी बताया, दाऊद का दोस्त बताया, दाऊद के साथ काम करने वाला बताया, उनको जेल में डाला, आज कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रचार नहीं करेंगे पर हमें उनके कैंडिडेचर का विरोध नहीं है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि जो महायुति नहीं है, ये महा झूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता के को पाने के लिए साथ में एक साथ हुई है। धन बल का इस्तेमाल कर लोगों को उन्होंने भ्रमित कर ये लोग साथ में आए हैं
और उसी को लेकर आगे चल रहे हैं, दिखा रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है और आपस में ही इतना विरोध है। दूसरी बात कहते हैं कि सना मलिक जी जो हैं उनका विरोध नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति में दिख रहा है, स्ट्रैटेजी में दिख रहा है, और जो चाणक्य नीति कहते थे आज सही मायने में बेनकाब हुए हैं। वो दिखा रहा है कि उनका डेस्परेशन लेवल है सरकार में बने रहने का।